हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूं 2021 स्नोफॉल अपडेट। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। सो गाइस, कल रात को यहां पर स्नोफॉल हुई है और आज डेट है 5 तारीख, फरवरी का महीना है। सो उम्मीद है आगे कि और हमें स्नोफॉल देखने को मिले यहाँ पर। तो ये काफ़ी हाइट पे है, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ टिकी हुई है। सो गाइस, ये वीडियो मैंने बनाई थी कल और मुझे उम्मीद थी कि आज स्नोफॉल होगी यहाँ पर, बट थोड़ी हाइट वाली जगह पे तो यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, बट उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम। पिछले साल की बात करें तो हम यहाँ पर 3 या 4 बार यहाँ पर बर्फ़ गिरी थी। सो काफ़ी अच्छी बर्फ़ गिरी थी पिछले साल, तो इस साल तो ये पहली बार स्नोफॉल हुई है यहाँ पर, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाई। सो गाइस, आज मौसम का मिजाज मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आज मौसम कैसा है और उम्मीद कितनी है स्नोफॉल की। सो ये देख सकते हैं गाइस, हल्के हल्के बादल हैं अभी और धूप तो आप देख ही सकते हैं। तो उम्मीद अभी तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी। सो गाइस, स्नोफॉल नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से एक है कंस्ट्रक्शन। तो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, इसीलिए पेड़ भी कट रहे हैं। तो और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट ये एक मेन रीज़न है यहाँ का। सो गाइस, ये तो रही 2021 स्नोफॉल अपडेट की बात, और अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने बगीचे में और मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी कौन कौन सी सब्जियाँ हमने उगाई हुई हैं। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मटर है। तो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं कि क्या क्या सब्जी हमने उगाई है। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये उगाई है हमने मटर। सो गाइस, ये जो मटर है, ये थोड़ा जल्दी हमने बो दी थी, तो अभी थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं ये। और कल की जो 2 दिन की बारिश हुई थी यहाँ पर, उससे आप देख सकते हैं इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे एकदम खिले खिले हैं, क्योंकि बारिश बहुत टाइम से यहाँ पर हो नहीं रही थी। इनके चेहरे कितने खिले खिले लग रहे हैं। और ये हमने थोड़ी स्टार्टिंग में जल्दी इसे बो दिया था, तो ये थोड़े बड़े हो चुके हैं अभी। और भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो छोटे वाले हैं, जो हमने बाद में बोए थे। और 2 दिन की बारिश का बहुत बड़ा असर हुआ है इनके ऊपर। 2 दिन पहले तक ये एकदम मुरझाए हुए थे और इनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई रौनक है इनके चेहरे पर, बट आप अभी देख सकते हैं कि इनको देखकर ऐसा खिलखिला रहे हैं ये लोग, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुस्कुरा रहे हैं अभी। तो गाइस, ये एक दूसरा खेत है हमारा, और ये सारे जो हैं मटर इसमें लगाई हुई है। तो आप ये जो लकड़ी देख रहे होंगे इसमें, ये एक्चुअली इनको ठंगरा बोलते हैं यहाँ पर। इसको लगाने का एक रीज़न होता है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो एक कली है, तो ये इस लकड़ी को जकड़ के रखती है, और इसको जकड़ के रखने का एक रीज़न है कि ये जो पेड़ है, ये नीचे ज़मीन से नहीं लगे रहेगा, ये एकदम स्ट्रेट खड़े रहेगा। और इससे होगा क्या, जो हमारे जो मटर होंगे इसमें, जो मटर के कोसे होंगे, वो ऊपर ही लटके रहेंगे, ज़मीन पे नहीं गिरेंगे। अगर ज़मीन पे वो लगेंगे तो एक तो वो सड़ जाएंगे, या फिर उनमें मिट्टी लग जाएगी, और उसमें बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं।
तो इसलिए ये ठंगरे हम लोग लगाते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कीवी में एक सपोर्ट के लिए उसमें लकड़ी या फिर लोहे का सपोर्टर उसमें लगाया जाता है ताकि वो नीचे ज़मीन से ना लगे रहे, तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको। और ये रहे गाइस, ये हमने लेट में बोए थे क्योंकि ये मेन खेत हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ा जल्दी ग्रोथ इनकी अच्छी होती है, इसलिए ये आप देख सकते हैं। ये अभी छोटे हैं। सो गाइज, ये एक दूसरी साइड है हमारे बगीचे की और इसमें हमने ठंगरे नहीं लगाए हुए हैं। इसका एक रीज़न है, ये सामने आप देख सकते हैं ये जो चोटी है, यहाँ से सुबह सनराइज़ होता है तो इन बगीचे को अच्छी खासी धूप मिल जाती है और नमी वाली जगह पे ठंगरे लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी मटर ख़राब होती है। सो गाइज, अभी मैं आया हूँ अपनी बगीचे की तीसरी साइड पे और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या क्या सब्जियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, यह है लहसुन, वहाँ तक है लहसुन, देख सकते हैं आप। ये फरवरी का टाइम है तो यहाँ पर अभी अच्छी खासी लहसुन हो रही है और ये बारिश की वजह से बहुत अच्छे हो गए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये आप देख सकते हैं लहसुन तो मैंने आपको दिखाया है और ये आप देख भी सकते हैं, लहसुन हमने लगाई हुई है बट बीच बीच में ये लाई भी आप देख सकते हैं। तो सब्ज़ी खाने के काम, हरी सब्ज़ी आपको पता ही है कितनी फ़ायदेमंद रहती है। तो ये रही लाई हमारी। और गाइज़, ये आप देख सकते हैं जो लाई है ये पुरानी हो चुकी है और इसमें फूल आ चुके हैं अभी। और यहाँ पर इस जैसे फूल का तेल निकाला करते हैं तो यहाँ पर फूल का तेल नहीं निकालते हैं, बस सब्ज़ी खाते हैं। एंड गाइज, इसमें लगाए हैं हमने आलू, ये एक्चुअली पर्सनल यूज़ के लिए हैं, हम लोग इसे बेचते नहीं हैं, अपने खाने के लिए हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने आलू लगाए हुए हैं। इसी के साथ साथ गाइज, ये आप पेड़ देख रहे होंगे, गैस कीजिए ये किसका पेड़ होगा। तो ये गाइज, ये अभी ऐसे ही इसमें मैंने जुगाड़ू काम किया हुआ है, ये ऊपर इसमें रस्सी बांधी हुई है। ये है कीवी का पेड़, तो दो पेड़ मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर और इसमें गाइज अब सपोर्ट की ज़रूरत है इसे। ये रहे लहसुन और इसी के साथ लगते हुए ये है प्याज, तो ये प्याज भी हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अभी 1-1.5 महीना हुआ है इसको लगाए हुए और बारिश हो नहीं रही थी तो इसलिए इनमें ग्रोथ नहीं हो रही थी अच्छी, तो 2 दिन की बारिश ने बहुत अच्छा काम किया है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई इनकी। और ये गाइज, प्याज से लगते हुए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप घास देख रहे हैं यहाँ पर, घास के नीचे जो है मूली का बीज है, तो ये ओस से बचने के लिए इसे हमने ढका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इससे हम मूली का बीज बनाएंगे। जो मैंने पहाड़ी मूला आपको दिखाया हुआ है वीडियो में वो इसी से बनाया हुआ है।
इस तरह से इसे ढका जाता है ताकि ओस इसको जलाए ना। तो इसको इसी तरह से ढक देते हैं दोबारा। बस ज़मीन पे ही आपको हरियाली देखने को मिलेगी। ऊपर आप देख सकते हैं इन पेड़ों पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम है अभी। तो कुछ ही महीने में इनमें अभी फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये गाइस लाई आप देख सकते हैं, अभी इन्हें हम खा सकते हैं क्योंकि ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इसी के साथ साथ लगते हुए आपको दिखाता हूँ मैं मूला, कितना बड़ा मूला है। जो पहाड़ी मूला मैंने आपको दिखाया था इन्हीं खेतों के दिखाए थे मैंने, और क्योंकि कुछ बच गए थे इसी में तो ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मूले हैं। और लाई के साथ साथ गाइस चौलाई भी यहाँ पर दिख रही हैं कुछ, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज अभी मैंने आपको अपने बगीचे का भ्रमण कराया और हमने देखा कि यहाँ पर अभी फरवरी का टाइम है तो इस टाइम पे क्या क्या सब्जियाँ हम लोग उगाते हैं यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और दिखाई। सो गाइज अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।